गुड मॉर्निंग क्लास 7, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन सेशन। वी वर इन चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनइक्वालिटीज इन द ट्रायंगल, इनइक्वालिटीज। ओके, बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड टू स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। Equilateral triangle, any triangle in which all the three sides are of equal length, any triangle in which all the three sides are of equal length is called an equilateral triangle. The length of all the three sides will be equal. Length of side AB will be equal to length of side BC. This will be equal to length of the side AC. Okay, this is equilateral triangle. And there is another type of triangle, special triangle, that is known as isosceles triangle. In an isosceles triangle, any two sides are of equal length, कोई भी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, कोई भी दो साइड्स, इट कैन बी ए बी एंड ए सी और इट कैन बी ए बी एंड बी सी और इट कैन बी ए सी एंड बी सी, कोई भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स आर ऑफ equal length. This is an isosceles triangle. Okay, and I hope you know what is a scalene triangle, a triangle in which all the three sides are of different lengths. That is called a scalene triangle, right? Now let us come to inequalities of the triangle. Inequalities, first one, in any triangle, the sum of the length of any two sides is always greater than the third side. For example, you have a triangle ABC. ठीक है, the length of the sides AB, BC and AC can be anything. It can be anything. But this property says AB plus BC will be greater than AC or BC plus AC will be greater than AB or AB plus AC will be greater than BC. The sum of any two sides will be greater than the third side. अगर ऐसा नहीं होता है, if this condition is not satisfied, triangle बनेगा ही नहीं, triangle बनेगा ही नहीं। मान लो कि एक साइड आपको बोले कि AB is equal to 3 centimeters, BC equal to 4 centimeters. And AC is equal to 9 centimeters. So triangle बनेगा ही नहीं बनेगा triangle, कभी नहीं बनेगा, ये याद रखना। बड़ी से बड़ी साइड जो होगी ना, उसकी लेंथ भी दो छोटी साइड्स के लेंथ के सम से छोटी रहेगी हमेशा। The sum of any two sides will always be greater than the third side. अब जैसे मान लो ये 9 centimeters का बेस बना लिया आपने, अब सपोज ये आपका हो गया AC,
अब ए से बी के लिए 3 सेंटीमीटर, ये टोटल 9 सेंटीमीटर का है, मान लो 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये मिलेंगे नहीं आपस में, दे विल नेवर मीट, ठीक है, सो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा. सो दिस इज एन इनइक्वालिटी. इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमेशा. फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, difference between the length of any two sides is always less than the third side. मतलब कोई भी दो साइड्स के लेंथ का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होगा. ए बी माइनस बी सी, सपोज ए बी सबसे बड़ा इस ट्रायंगल में, लेट सबसे बड़ी साइड ए बी, ओके, ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी इज ग्रेटर देन ए सी. तो सबसे छोटी साइड ए सी होगी, सबसे बड़ी साइड ए बी होगी. अगर ऐसा है तो भी ये डेफिनेटली, या तो आपके पास तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, द डिफरेंस, तीनों साइड्स इक्वल है, उसकी कोई भी दो साइड्स के लेंथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, वो थर्ड साइड से छोटा है ना, है ना. सो हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स के लेंथ का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा छोटा रहता है. सो यू कैन से, अब ए बी माइनस बी सी अगर आप करेंगे, ए बी माइनस बी सी विल बी लेस देन ए सी. आप बी सी माइनस ए सी करेंगे, दैट विल बी लेस देन ए बी. और अगर आप ए बी माइनस ए सी करते हैं, दैट विल बी लेस देन बी सी. सो द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. दीज आर टू इनइक्वालिटीज इन द ट्राइंगल, ओके. सो अबाउट दीज इनइक्वालिटीज वी शैल डिस्कस मोर in the next class. Till then, keep on practicing, stay safe, stay healthy children, goodbye.